हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी इस वीडियो में मैं चला रहा हूँ मर्सिडीज एएमजी की जीएलई 43 कूप। अब ये एक कूपे स्टाइल एसयूवी है, ये मर्सिडीज की जीएलई एसयूवी पे बेस्ड है। इट कम्स विद अ स्लोपी रूफ लाइन एंड दिस इज अ स्पोर्टी वर्जन, दिस इज फ्रॉम द एएमजी पोर्टफोलियो। लेकिन ये जीएलई 43 है, यानी कि ये 63 सीरीज वाली फुल ब्लोन एएमजी स्पोर्ट्स कार नहीं है, बट स्टिल इट डज हैव इनफ गो, तो इसमें काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है। तो चलिए इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं, इज दिस कार गुड इनफ फॉर द मनी दैट इट डिमांड्स। क्या आपने ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? कंपेयर टू कॉम्पिटिशन, इज दिस गुड फॉर योर पॉकेट, फॉर योर इमोशंस? क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्चे करोगे और जब आप एक एएमजी गाड़ी खरीदोगे, इज दिस फास्ट इनफ? चलिए ये सारे ही फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस गाड़ी की इंजन। इस मर्सिडीज एएमजी जीएलई 4Matic Coupe में आपको एक 3 लीटर V6 मोटर मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है 367 HP की पावर और इसके साथ आपको मिलता है 520 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। 9G ट्रॉनिक 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको मिलता है और 5.7 सेकंड्स में ये गाड़ी 0-100 की स्पीड अचीव कर सकती है। टॉप स्पीड इज लिमिटेड टू 250 किलोमीटर पर आवर इलेक्ट्रॉनिकली। और इस गाड़ी का कर्व वेट जो है, बाय द वे, इट इज 2280, तो ये गाड़ी बाय एनी मीन्स हल्की नहीं है। बट देन जब आप ये वेट कंसिडर करते हो और उसके बाद इफ द 0-100 इज कमिंग इन जस्ट 5.7 सेकंड्स, देन दिस कार इज श्योरली फास्ट इनफ। अभी एक चीज जो मुझे हाईलाइट करनी है, जो वेरिएंट मेरे पास आज है जो मैं चला रहा हूँ, दिस इज द मर्सिडीज एएमजी जीएलई 43 4Matic Coupe, लेकिन ये है इसका ऑरेंज आर्ट एडिशन। इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे ये गाड़ी 21 इंच के लाइट वेट अलॉय व्हील्स पे रन करती है, सो दे आर जस्ट मैसिव। 275 पैच का टायर मिलता है आपको एंड दे जस्ट लुक बॉन्कर्स, काफी बड़े दिखते हैं ये। तो ये देखने के बाद आपको लगेगा कि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी जो है, इट माइट नॉट बी दैट ग्रेट बिकॉज यू नो 21 इंचेस, लेकिन ऐसा नहीं है। द राइड क्वालिटी इज सरप्राइजिंगली गुड, इट सोक्स अप द बम्प्स वेरी वेरी वेल और आपको एक्चुअली काफी अब्सॉर्बेंट भी फील होगी ये ऑन नॉर्मल अंडुलेशंस एंड अ लिटिल ब्रोकन पैचेस जो आप डे टू डे ड्राइव में एनकाउंटर कर सकते हो। Now all of that is thanks to the adaptive suspension, the air suspension जो आपको इस गाड़ी में मिलता है। तो suspension setup जो है, it is very good to you know balance out the ride on your highway drives या जब आप एकदम bad patches पे से या speed breakers पे से चलाते हो, तो 21 इंच के high profile alloy wheels पे चलाते वक्त इस गाड़ी में जो आप thuds expect कर रहे हो वो आपको feel नहीं होंगे, झटके आपको थोड़े कम ज़रूर लगेंगे। तो उस हिसाब से ये गाड़ी डेफिनेटली एक अच्छी पैकेज है। लेकिन ये एडाप्टिव सस्पेंशन जो है, ये एयर सस्पेंशन जो है, वो थोड़ा आपको बाउंसी लगेगा ऑन माइल्ड अंडुलेशंस, तो आपको वो चीज़ शायद थोड़ी बहुत एनॉय कर सकती है इन योर डे टू डे लाइफ। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये चीज़ हम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं, बट अदरवाइज द सस्पेंशन, द राइड क्वालिटी इज जस्ट ब्रिलियंट। इस गाड़ी में बिकॉज ऑफ दिस एयर सस्पेंशन आपको एक बटन मिलता है यहाँ पे विच अलाउज यू टू इंक्रीज द राइड हाइट। तो जब भी आपको ऐसे लगता है कि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, या अगर आप इस गाड़ी को लेके ऑफ रोडिंग करना चाहते हो और अगर आप ज़्यादा पथरीले रास्तों पे से इस गाड़ी को चलाओगे, आप राइड हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, तो आपकी अंडर बॉडी जो है वो कहीं पर स्क्रेप नहीं होगी, तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट देन यू गेट 5 ड्राइविंग मोड, जो यहाँ पे एक सिलेक्टर बटन दिया गया है उसको ट्विस्ट करके आप सेट कर सकते हो। यू गेट इंडिविजुअल, यू गेट कंफर्ट, यू गेट स्पोर्ट प्लस एंड देन यू गेट स्लिपरी। जब भी आप राइड हाइट इंक्रीज करते हो, वंस यू गेन मोमेंटम, वो राइड हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट जरूर हो जाती है बिकॉज यू हैव एडेप्टिव सस्पेंशन हियर इन दिस मर्सिडीज एएमजी जीएलई 43 4Matic Coupe। लेकिन जब आप स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करते हो, राइड हाइट जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, और जब आप स्पोर्ट प्लस मोड एक्टिवेट करते हो तभी राइड हाइट जो है वो और थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से गाड़ी का एरोडायनामिक परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है
and it also stays much more grounded, much more planted because center of gravity bhi jo hai wo better ho jati hai to give you much better driving dynamics. So in that department, all of this tech, all of this gadgetry, all of these electronic features make a lot of difference actually, aur ye aapko mehsoos bhi hoga. Abhi obviously ye jo driving modes hain iske bare mein zyada detail mein baat karne ki zarurat nahi hai. You have started to understand that Sport and Sport Plus are going to deliver very sharp throttle response. Usme aapko bahut zyada bahut acha acceleration milega. All the power and torque is going to be available to you instantly. Aur gaadi jo hai lagbhag apne 6200 ya 6300 red line tak ekdam freely accelerate karegi and you are going to get a very good oral experience kyunki ye ek AMG car hai. Lekin jab aap iska slippery mode activate karte ho tabhi gaadi jo hai apna traction control all out use karegi to make sure that all the tires grip very well. Isme jo all wheel drive system milta hai, the 4Matic system that you get on this car, wo 60-40 split mein diya gaya hai aapko. To 60% power jo hai wo rear wheels pe jati hai, 40% on the front wheels, and then in slippery condition things are going to be very well taken care of. Is gaadi mein jab hi aapko bahut tez accelerate karna hai, if you want to do a race start, agar aap drag racing mein is gaadi ko use karna chahte ho, you also get launch control which is going to ensure that you don't wheel spin but actually lunge forward with your throttle input when you want to gain fast momentum. To ye bhi ek acha feature hai is Mercedes AMG GLE 43 mein. Ab baat karte hain steering wheel ki. Steering wheel, the feel and feedback, well okay, it weighs up decently lekin itna zyada direct aapko shayad feel nahi hoga. Obviously in sport and sport plus mode I think it is a little better, but otherwise in comfort mode it feels a little weak. Also gaadi ka weight itna zyada hai ki jab aap ye gaadi zyada fast chalaoge, jab aap is gaadi ko corners mein tip in karoge, you might feel that because of all of that weight and this steering wheel which is not up to Mercedes standards by default compared to what cars we have today, थोड़ा अंडरस्टीयर आपको महसूस हो सकता है, बट देन यू कैन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कार इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और उस हिसाब से आप स्पीड जो है मॉड्यूलेट और मेंटेन करने लग जाओगे. बट आई एम टेलिंग दैट टू यू दैट यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग घाट सिचुएशंस एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कैरी टू मच ऑफ स्पीड इन दिस कार. अभी फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करें, ऑफकोर्स द पीपल हु आर गोइंग टू बाई इट डोंट रियली केयर, बट देयर आर अदर पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं who might be just a little curious. तो अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाओगे, आपको इसमें से मिल जाएगा लगभग 6 से 6.5 KMPL का माइलेज. 3 लीटर V6 मोटर है, of course, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, इट इज नॉट गोइंग टू डिलीवर रियली हाई फ्यूल एफिशिएंसी. लेकिन जब आप इसे हाईवे पे चलाओगे, आपको माइलेज जो है इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 10 किलोमीटर टू अ लीटर, विच इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल. तो अगर आप हाईवे पे एट स्पीड इफ यू आर ड्राइविंग से क्लोज टू 90 to 100 kilometers per hour, it is going to be acceptable aur usme aapko zyada problem nahi honge, and that figure is quite okay I think. Now let's talk about the gearbox. 9 speed ka automatic gearbox milta hai aapko, pedal shifts aapko diye gaye hain. You don't get any tiptronic mode in Mercedes Benz cars kyunki gear selector jo hai wo yahan pe as a control stroke diya jata hai, to aap pedal shift se hi gears jo hai manual controls kar sakte ho. Gear shifts are nice and fast. जब आप एकदम आराम से गाड़ी चला रहे हो, अप शिफ्ट जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, तो गाड़ी जो है काफ़ी स्मूथली, काफ़ी सॉफ्टली और नॉट टू लाउड ऐसे परफॉर्म करेगी, एंड इट विल बी वेरी कंफर्टेबल. अगर आपको मैन्युअली गियर चेंजेस करने हैं, तो फॉर एग्जांपल एट क्लोज टू 60 किलोमीटर्स पर आवर गाड़ी जो है अपने 7th गियर में एंगेज रहेगी, एंड देन क्लोज टू 80-85 किलोमीटर्स पर आवर आप 9th गियर जो है मैन्युअली एंगेज कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट. बट देन if you want to play around gears or if you are going to drive in sport mode, ye jo gearbox hai it is not shy of dropping multiple gears. To agar say for example abhi main chala raha hu at 60 kilometers per hour and as soon as I give it a full kick down, check this out, the car has shifted directly to 3rd gear, to 7th se seedha 3rd. So it can do that, it is not going to, you know, go down from 7 6 5 4 3, it will just drop to 3rd and you will get all the acceleration that you need from this sporty SUV. Lekin kuch log jab ek AMG gaadi khareedenge, unka purpose hoga to listen to that very sweet exhaust note jo Mercedes AMG tune karte hain. To chaliye abhi sport mode mein engage kar dete hain is gaadi ko, and let's listen to how this car sounds when you give it full gas. I'm going to take manual controls now, I'm going to make use of this pedal shift,
And just try to listen to this now very carefully. ध्यान से सुनिए, listen to the crackles and pops. It sounds fantastic. Keep listening to this. Can you hear it? It sounds bloody good and it is definitely addictive. अब ये जो AMG exhaust system है, now this is a 43 series car, तो ज़्यादा loud नहीं है. But you can still hear those cracks and pops which are very very pleasing. But I wish the exhaust note was a little louder. अब ये exhaust note जो है, बाहर से onlookers को ज़रूर loud लगेगा, उनको काफ़ी अच्छे से सुनाई देगा. The cabin insulation overall is just so good कि आपको अंदर थोड़ा muted feel होगा and that is a trade-off but then it's okay क्योंकि अगर आप बहुत देर तक ऐसे तेज चलाओगे गाड़ी maybe the driver might be enjoying that sound but the other occupants might not so in that department I think it is a decent balance between the two. अब ये जो Mercedes AMG GLE 4Matic Coupe है इसका एक problem ये है कि इसका ये जो gearbox है it is not very happy inside the city. तो सिटी में चलाते वक्त आपको शायद से ऐसे फील होगा कि ये गियरबॉक्स थोड़ा जर्की है और आपको ये गियरबॉक्स जो है कभी कभी बिटवीन योर थ्रॉटल ट्रांजिशंस ऐसे फील होगा कि गियरबॉक्स हैड सम अमाउंट ऑफ हेजिटेशन एस्पेशली अगर आप क्रॉलिंग स्पीड्स पे गाड़ी चला रहे हो या अगर आप स्लो स्पीड्स पे गाड़ी चला रहे हो तभी आपको ये महसूस होने वाला है इनसाइड द सिटी. व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑल आउट व्हेन यू आर ड्राइविंग फास्ट तभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है द गियर शिफ्ट्स आर लाइटनिंग फास्ट एज वेल बट इनसाइड द सिटी नॉट दैट ग्रेट. Maybe it could do with some better calibration. लेकिन एक नई GLE बहुत जल्द आने वाली है so you are not going to complain about this model too much because this is going to be discontinued very soon. So as the overall package, this Mercedes AMG GLE 43 4Matic Coupe is quite a practical car. Now practical, I mean to say कि ये all out AMG गाड़ी तो नहीं है as the 63 series, but ये आप सिटी में भी चला पाओगे. It is not too bad in the efficiency also. अगर 6 से 10 का KMPL range आपको मिल जाता है from a petrol motor with so much of power, close to 367 horses and 520 Newton meters, it is not bad at all. और ये 9 speed का जो gearbox है, upshift भी करते रहेगा very nicely and early to keep the car driving very smooth, very effortless and the rev range will also be very nice and low. Ride quality is surprisingly काफ़ी अच्छी है because of this air suspension and that obviously is going to be very comfortable. और back seat में in the second row it has decent amount of space. भले ही ये एक coupe style SUV है a 5'8" a 5'10" guy or a girl can easily be accommodated over there without having their head brushing on the roof liner. तो कमेंट से मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट दिस मर्सिडीज AMG GLE 43 4Matic Coupe. क्या आपको ये पसंद आई, क्या आपको ये गाड़ी स्पेशल लगती है, डू यू थिंक दिस इज स्पोर्टी इनफ. टिल नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को. अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं अबाउट दिस कार डू आस्क मी एंड टिल देन नाउ जस्ट लिसन टू दिस एग्जॉस्ट नोट. Cracks and pops, they are the most addictive thing or human inventions mein se ye bahut hi achhi cheez hai and I thank whoever did that, whoever found that out, that he or she is a gem of a person. Let's do that one more time. Oh my god. Goodbye, see you soon, drive safe and always guys wear a seatbelt.